बता रहा हूँ जल्दी बता राधिका। एक मिनट छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। जा लेके जा बेटा, राधिका नहीं जाना, राधिका कहीं जाना। खड़े हो जा बेटा जा, खड़े हो जा बेटा, जा इसको बेटा खाना पीना खिला। बता रहा हूँ जल्दी बता राधिका। एक मिनट बेटा तुम्हारा बच्चा कैसा है? चुपचाप से, वरना समर तो छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखियो आपकी बात राधिका, चुपचाप से बता दे का है। राधिका बांसुरी बजा रही है, कहीं तुम भी बांसुरी बजाओगी? बजा ले तेरी लड़की, बज जाएगी। तेरी भी बजाऊंगी, फिक्र मत कर, तेरी लड़की बज जाएगी। आवाज नीचे, तमीज से बात करूंगी, तमीज से नहीं करूंगी। बहुत रो के गिड़गिड़ा के पंडित का दिमाग आ कहीं फिर गया ना। अरे जाना पंडित, तो तुम दोनों सीधा अंदर जाओगे इस बार? हम जाएंगे अंदर, तू पागल है क्या? तू जाएगा, अभी तेरी धुलाई होने वाली, फिक्र मत। और इस घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, पीछे पीछे पुलिस आ रही है। मेरी कुटिया से जो आया कभी वापस नहीं गया। कंप्लेंट करी है हमने तेरी, कर दी ना कंप्लेंट? तू यहीं बैठा रहे, कर दी ना कंप्लेंट? अभी आ रही है तेरे पीछे, टेंशन मत लो। अभी किडनैप कर दिया बेटा, तुम राधिका देवी का ना बैंड बजवा रहे हो, मालूम है? अभी तेरा बजने वाला, अभी पुलिस आ रही है, पता तेरे को? हमारा तो बरसों पहले बज चुका, हमारी बिटिया भी हो गई है, बड़ी हो गई बिटिया हमारी, हमें बैंड की जरूरत नहीं। अभी उसी बिटिया का बैंड बज रहा है, उसी के लिए तो ड्रामे कर रही है। तेरा तो बज चुका, तुम क्यों नहीं समझते हो? बेटा तुम्हारा आना जरूरी था क्या? गुनगुन यही है, अपने बेबी को ही संभाल ले, तुम चली आई खा मका। ये बोल के आया था कि मैं तेरी लड़की को किडनैप करूंगा, नहीं तो मेरी लड़की को घर बसवा ले, ये बोल के आया था। क्या क्या है, क्या घर बसवा ले? और कोई लड़के मर गए हैं क्या? हम भी घर बसवाए क्या तुम्हारी लड़की का? क्यों हम क्यों बसवाए? पका पकाया माल जिसको मिलता है छोड़ देता है क्या? लड़की का हमने खराब करा क्या? हमारा क्या मतलब है? क्यों हैं तुम भी तो रिश्तेदार हो उसके। रिश्तेदार है तो इसने क्या किया? इसने कहा मैं भाभी नहीं मानती, नहीं मानती मैं, उसने सब मुझे बताया करके। रिश्ता होगा उससे क्या मतलब? भाभी नहीं मानती ना, नहीं मानती मैं। तो तुम्हारे सामने अंकित उठा करके ले गया हमारी बेटी को, वो समर को बचाने के लिए। समर को बचाने के लिए तेरे कर्मों का भोग भुगत रही है तेरी लड़की। अच्छा, तुमको अगर कोई एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन अपने पास कोई लड़का रखे तो दुनिया क्या कहेगी? वैसे हमें क्या पता क्या कहे, हमें क्या मतलब? तुम क्या करते हो? सब चीजों का ठेका हमें दिलवा रहा है तुम्हारे अंदर की। पहले अपने आप औरत मर गई क्या? देख लो भाई, मरी पड़ी है, मरी पड़ी है, तेरे लिए तो सब कुछ मरा है। उसके साथ अंकित ने क्या क्या किया मैं क्या जानूं? मेरी बेटी तो बहुत मासूम है। अच्छा तो ओ, मैं हम कैसे मान ले? समर के साथ तुमने क्या 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 होगा, हम कैसे मान ले? समर तो ठीक ठाक है ना, समर तो ठीक ठाक है ना? छोड़ा था उसे, तूने नहीं छोड़ा, ठीक ठाक है ना? अब देखो राधिका के साथ क्या क्या होगा, आप देखते जाओ। बेटा तुम ज्यादा मत बोलो, अभी तुम्हारे पेट में जो बेबी है ना, बैठी रहे इसके साथ, अभी पुलिस आ रही है, कहीं उसके ऊपर कहीं कुछ असर हो गया ना तो संभाल नहीं पाओगी। जो तेरी आवाज निकल रही है ना, अभी रुक जा, अभी पुलिस आ रही है, फिक्र बुलाओ पुलिस। क्यों बताए, ऐसे ही बता दे क्या? सही बात है, बातें सुन सुन के दिमाग खराब हो रहा है। तेरी शक्ल भी देखना पसंद है। क्यों, तुझे तो हम बहुत पसंद थे। मम्मी से पूछो, हम किससे से कम है क्या पूछना? इससे कहेंगे ये ऐसे डाबे कर रहे हैं यहाँ पे चुपचाप। बेटा ढंग से बता रहा कि नहीं बता रहा मेरी लड़की का है? जल्दी बता, कॉलर पकड़ा दूंगा। बता दे का है, समझ में आ गई? बता रहा कि नहीं बता रहा? करने की जरूरत नहीं है, जल्दी बता पंडित, जल्दी बता। बता रहा हूँ, बता जल्दी से का है राधिका। बता रहा कहाँ है राधिका? ड्रामे हो गए हो तो पहले पानी तो पिला दे। नहीं पिलाऊंगी, मुंह से फूट, तेरा घर अपने आप लेके आ पानी। पहले राधिका का बता कहाँ है। राधिका बुलाता हूँ मैं, राधिका जल्दी बता, बुला। एक मिनट सांस तो लेना दो, सब कुछ तुझे अभी लेना है, बिना सांस के मर रहे। लाओ चुम्मी दे दो इससे, पूछ कितना बदतमीज है, इसको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। मिल गई किसको तो मम्मी, पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। मिल गई ना बदतमीज है, और चाहिए? और चाहिए बता।
राधिका को बुला, जल्दी कर। बस बहुत हो गया, बढ़िया। जल्दी बुला। बुला रहा हूँ। जल्दी बुला, बहुत देर हो गई। राधिका बेटा आ जाओ। आजा बेटा। राधिका बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा। क्या हुआ तुमको? ठीक है बेटा? इनके थप्पड़ मारो। क्या हो गया राधिका? थप्पड़ मारो राधिका। क्यों होश नहीं है तेरे को? इस बुढ़िया के थप्पड़ मार। क्या करा है मेरे बेटी को तूने? क्या करा है? इसको होश नहीं है बिल्कुल भी। जल्दी मार दे मुझे। तू देख रही है तेरे बाप को मार रहे हैं। जल्दी बता राधिका। मम्मी होश। राधिका सुनना, क्या हो गया इसे? ये तो मेरे को भी नहीं पहचान रही राधिका। मम्मी हो, बैठो आराम से बैठो। अपने काबू में कर रखा है गुनगुन, अपने काबू में, तभी तो वो किसी को पहचान नहीं रही। पंडित जी इसको सही कर, पंडित जी इसको सही कर जल्दी से। बेटा इसके थप्पड़ मारना, बहुत धीरे से मारना, ये प्रेग्नेंट है ना इसीलिए बहुत धीरे से मारना। बच्चे को राधिका नहीं, राधिका नहीं, मार बेटा। बिल्कुल भी नहीं करना राधिका। मार राधिका, बस मारना नहीं है। देख लिया? नहीं करना। आ गया मजा आंटी? तूने अपने काबू में कर रखा है, मेरी लड़की है नहीं ऐसी। आई समझ? ये तेरे हमने को है। ये तो बहुत संस्कारी थी। सही कर। बड़ी मुश्किल से काबू में आई है, बहुत संस्कारी है। तू चाहता क्या है? इसको सही कर पहले। राधिका कैसी हो? राधिका मेरे को लग रहा पापा थोड़ा सा ना कम हो गया इसका, जब इसको राधिका नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। उठ जाओ राधिका। राधिका मत उठ इसके कहने से। उठ जाओ राधिका इसके कहने से। राधिका मत उठ इसके कहने से। बस सही, तुम ठीक कर रहे हो? नहीं करो राधिका। जाओ बेटा, कहाँ जाना है? पास जाओ राधिका। बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। बिल्कुल भी आराम से बैठो। धूप राधिका बेटा। राधिका मैं चुप, बढ़िया कहेंगी। हाँ तू हटा नहीं सकती वैसे इसका डब। बेटा अब आपसे ज्यादा कुछ कह तो नहीं सकते। क्या कर रहा है? मेरे को पहचानती भी नहीं है। क्या करा तूने? तूने अपने वश में मजा आ रहा है? मेरी लड़की ऐसी नहीं है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तू फिर मार खाएगा मेरे से? मार खाने के लिए बैठा है। हाथ तो उठा, इस बार तेरे हाथों का जो कचूमर ना बना है ना तोड़ियो। तेरा ना तोड़ दिया तो मेरी लड़की को ठीक कर। मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। जा लेके जा बेटा। राधिका नहीं जाना, राधिका कहीं जाना। खड़े हो जा बेटा, खड़े हो जा बेटा, जा खड़े हो जा बेटा, जा इसको बेटा खाना पीना खिला। देख के बड़ा सुकून मिलता है। बुढ़िया सुंदर तो तू बहुत है। एक शर्त पर दूंगा, एक शर्त पर। कौन सी शर्त? हमको अंकित बाबू को ला के दे दो। अंकित बाबू कहाँ से ला के दे दो? कहाँ से ला के दो? आपका तो भाई है, सगा भाई है। तो दिया ये सब कुछ इसलिए ड्रामे करे थे समर को बचाने के लिए। कोई शादी वादी नहीं हुई थी, सिर्फ माला पहनाई थी। कितनी बार आप लोगों को बताऊं? अब तो राधिका जी तभी मिलेंगी। समर को चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी चल लो कर लो, कर लो अपनी बकवास कर लो, पहले बकवास कर लो। लड़की से तो पूछ लो कौन चाहिए, समर चाहिए, ध्रुव चाहिए, भैया चाहिए। ब्रह्मानंद कभी किसी से पूछता नहीं, समझ में आ रहा है ना? अच्छा जो कह रहा हूँ उसे उतना कर। हम इसको अंकित को ला के दे देते हैं। ये अंकित से, अंकित अपने आप इतना तेज है कि इसके ऐसे से खुद ही कर लेगा। ठीक है तू अपने आम अंकित सुबह 5 बजे ठीक अंकित को यहाँ पर होना चाहिए। अंकित को हम बुला देंगे लेकिन उसके बाद हमारा काम खत्म होता है। तू राधिका को छोड़ दियो उसके बाद। हाँ छोड़ दूँगा 100%। अंकित तेरा कहना माने नहीं माने हम जिम्मेवार नहीं है। ठीक है उसके बाद हम जिम्मेवार नहीं है, तू देख ले ये बात। लेकिन तुमने एक बहुत गलत काम किया हाथ मार करके। अब तो अपनी हरकतें देख रहे हैं, अपनी हरकतें देख रहे हैं, तेरे में जरा शर्म लिया आ जाए। अब तुम घर तक पहुंचोगी नहीं पहुंचोगी ये मुझे पता। वो तो हम पहुंचेंगे, पता चिंता मत कर, सब राम जाने। हाँ। अरे जा राम का भक्त, तू राम का भक्त दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। डोंगी पंडित है तू, आई समझ। हाँ, अंकित को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सुन ले, उसके बाद राधिका को छोड़ने के बाद, अंकित लाने के बाद
राधिका को छोड़ दियो, बिल्कुल उसके बाद हमारी जिम्मेदारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, वो बहुत अच्छी, अंकित को हम ला देंगे, अंकित के साथ बात करे ना करे जिम्मेवार नहीं हम। हमारी बेटी का घर बस जाए, कोई दिक्कत वो मेरे को नहीं पता, वो मैं घर बसाने के लिए नहीं बैठी हूँ। सही बात, ठीक है, तेरे को अंकित चाहिए, अंकित को हम बुला देंगे। ठीक है, अब आप जाओ, ठीक है, सोने जा रहे हैं, तेरे घर बैठने का शौक नहीं है, तेरे घर बैठने के लिए नहीं आए, अंकित को लेके जाएंगे। बेटा अपने बच्चे का ख्याल रखना, वो तू बता।